तो गाइस काफ़ी लोगों को लगता है यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आपको चाहिए कम से कम एक 40,000 का DSLR, फिर लाइटिंग पे आपको कम से कम 15-20,000 खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड उसके ऊपर अगर ऑडियो अच्छी चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 10-12,000 तो कहीं नहीं गए। बट वॉट इफ़ आई टेल यू कि ये पूरा सेटअप, ऐसी वीडियोज़ आप बना सकते हो प्रॉबली अंडर 20,000, मे बी उसका भी आधा, मे बी for way cheaper than you think, because this video right now I am not filming it on my A7 III, jo ek 1.5 lakh ka camera hai. In fact, I am filming this on a Xiaomi Redmi Note 7 Pro, which is a काफी पुराना 10,000 type ka ek price ka phone. तो जानते हैं ये वीडियो मैंने कैसे सेटअप करी एंड हाउ यू कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल videos विद योर स्मार्टफोन इन दिस वीडियो. So what is up guys, my name is Angad, welcome back to another video. ये video जो आप अभी देख रहे हो is actually being shot on a Xiaomi Redmi Note 7 Pro. मैंने कल रात को एक story डाली थी mentioning कि ये एक sample है from this phone and कोई भी मानने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि ये DMs आए कि रात को मजाक क्यों कर रहे हो. But just so that you get an idea, ये रहा मेरा professional camera, मेरा Sony A7 III, और ये रहा मेरा iPhone. और by chance आपको अभी भी कोई doubt है तो मैं यहाँ पर इसका selfie mode on कर लेता हूँ. And if I don't know, you guys can tell, but that is what I'm using right now, just a very basic setup. So I'm going to show you ये पूरा look मैंने कैसे achieve किया और कैसे आप भी कम से कम पैसों में कर सकते हो. सबसे पहली बात करें अगर कैमरा के बारे में, कैमरा मैं as I mentioned Note 7 Pro यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi का, जो लगभग 10,000 का है, but most of you already have better phones than this. एंड अगर नहीं है और आपको अपना YouTube जर्नी स्टार्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ डिसेंट फ़ोन, चाहे सेकेंड हैंड हो, ऐसा कुछ मतलब अगर 10,000 का नया था आपको शायद 5-7,000 का मिल जाए, या फिर किसी दोस्त का बोरो कर लो, बट फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज स्टिल चीपर देन बाइंग अ 40,000 या 50,000 का कैमरा. अब अगर बात करूँ इसके कैमरा ऐप की, इसके अंदर जो कैमरा ऐप होता है उसमें एक्चुअली बहुत फीचर्स नहीं होते हैं एंड काफ़ी चीज़ें नहीं बदल पाते, तो मैंने डाउनलोड किया एक फ्री ऐप है बिल्कुल कॉल्ड ओपन कैमरा. ओपन कैमरा पे आप बहुत सारी वीडियो सेटिंग्स बदल सकते हो, ऑल्दो मेरे कैमरा में इतने सपोर्टेड नहीं थे, बट अभी मैं 30 फ्रेम्स पे शूट कर रहा हूँ एंड मैंने अपना एक्सपोजर लॉक कर रखा है, तो चाहे मैं कितना भी लाइटिंग बदलता रहूँ वो ब्राइट डार्क नहीं होता. तो आई एम यूजिंग ओपन कैमरा, और ओपन कैमरा यूज़ करके आई कैन ऑल्सो कनेक्ट माई एक्सटर्नल माइक जो काफ़ी सही चल रहा है. तो माई टिप टू यू डेफिनेटली वुड बी कि अगर आप एक एंड्रॉयड पे शूट कर रहे हो ओपन कैमरा यूज़ करो. iOS पे आई यूज़ फिल्मिक प्रो. फिल्मिक प्रो इज़ वॉट आई यूज टू डू इट इंटायरली ऑन माई iPhone, तो उस पर भी सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं. बट इस वीडियो में हम एंड्रॉयड पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि iOS स्टिल मेक्स बेटर कैमराज स्ट्रेट यूजेबल. अब अगर बात करें लाइटिंग की, मैं ये बोलूंगा कि इस पूरी वीडियो का जादू इसकी लाइटिंग में है. अभी जो मैं लाइट यूज कर रहा हूँ इज अ रिंग लाइट यहाँ पे फ्रॉम कोडाक, एंड बेसिकली कोडाक मेक्स रिंग लाइट्स. आजकल आप कोई भी रिंग लाइट यूज कर सकते हो. ये रिंग लाइट रफली 8-9 हज़ार की है, बट बिल्कुल ऐसी ही सिमिलर लाइट्स, मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट सेम ही लाइट्स, मैंने बहुत पहले ली थी और थोड़ी महंगी ली थी, आपको मिल सकती है 3,500 की, 4,000 की, कुछ जगहों पर शायद 2,500 की भी आपको रिंग लाइट मिल जाती है. बट यहाँ पे मैं बहुत बड़ा टिप क्या दूंगा, आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन यूजिंग अ रिंग लाइट ऑन माई अदर चैनल अंगद का हाइसिंग पर डालूंगा, यहाँ नहीं डालूंगा. बट ज़्यादा रिंग लाइट के साथ लोग एक गड़बड़ करते हैं. अब वो गलती ये है कि रिंग लाइट को लोग बिल्कुल सामने से यूज़ करते हैं, उसकी वजह से होता है कि अगर मुझ जैसा चश्मे वाला इंसान है तो गोल गोल सा दिख जाता है एंड बैकग्राउंड भी बहुत अजीब लगता है एंड ओवरऑल इट्स नॉट वेरी गुड फुटेज. तो मैं बेसिकली अपनी रिंग लाइट को ऊपर से यूज़ करता हूँ, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा अपने दूसरे चैनल पे ऑन व्हाई आई रियली लाइक रिंग लाइट्स, इवन दो मेरे पास एक सॉफ्ट बॉक्स पीछे पड़ा हुआ है. तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू अंगद का हाई सिंग इफ यू हैवंट ऑलरेडी. अब लाइटिंग का एक और बड़ा टिप दूंगा कि जब भी आप अपनी लाइट कोई सी भी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप अपने घर से एक लैंप यूज़ कर रहे हो, कोशिश करो कि लाइट आप पे रहे, आप अच्छे से ब्राइट हो, पर बैकग्राउंड और आप में कुछ फ़र्क रहना चाहिए. अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं एकदम क्लियर हूँ, बट बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है, तो एक कॉन्ट्रास्ट में एकदम मस्त लाइटिंग लग रही है एंड दैट इज समथिंग यू कैन डू इवन विद द टेबल लैम्प. टेबल लैम्प खुद पे मारो और मेक श्योर करो पीछे लाइट ना जाए, एंड इन जनरल कोशिश किया करो कि पीछे कोई स्ट्रॉन्ग लाइट ना रहे, वरना अच्छा नहीं लगता. आई गिव यू एन एग्जांपल, अभी मैंने पीछे एक लाइट ऑन करी है एंड ऑलरेडी पीछे काफ़ी लाइट हो चुकी है एंड आई डोंट थिंक कि वो इट्स क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग, आई कांट इवन सी द फुटेज, बट मुझे यहाँ मिरर में दिख रहा है. तो यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू. अब आप नेचुरल लाइट भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट नेचुरल लाइट सबसे बेस्ट चीज़ है. बट अगर आप यूट्यूब को एज अ करियर देख रहे हो या एज अ मोर देन अ हॉबी देख रहे हो, तो आर्टिफिशियल लाइट्स का बस यही फ़ायदा होता है. चाहे अभी अभी मेरे घर पे बज रहे हैं, सुबह के 2 बज रहे हैं
एंड दिस डेफिनेटली हेल्प्स. मैं कभी भी अपने हिसाब से लाइटिंग सेट कर सकता हूँ और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर तूफान चल रहा है, बाहर आंधी आ रही है, बाहर बारिश हो रही है, मेरी लाइटिंग हमेशा सेम रहेगी. तो आप शुरू कर सकते हो बाय यूजिंग नेचुरल लाइट, बट यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ लाइट लाइक दिस. यहाँ पे एक और छोटी चीज़ विच आई वुड रिकमेंड ऑलवेज, अगर आप घर पे वीडियोज़ बना रहे हो तो कोई सा भी भाई 200-500 का ट्राईपॉड ले लो, क्योंकि ऐसे फुटेज जब आप लेते हो ट्राईपॉड पे लगा के और आपकी फ्रेमिंग सॉर्टेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, घर पीछे फालतू में नहीं दिख रहा, तो यू कैन मेक श्योर आपकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं. तो अभी मैंने एक ट्राईपॉड पे सामने लगा रखा है अपना फ़ोन, उसमें कनेक्टेड है मेरा माइक, ऊपर है ये लाइट, दैट इज इट. मैं कुछ फैंसी नहीं कर रहा. हाँ, बट एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने एक चीज़ पे थोड़ा सा महंगा यूज़ किया है, वो है ये माइक. अब ये माइक इज़ फॉर 16,000 अप्रॉक्सीमेटली, बट अभी जैसे मैं पीछे आगे कहीं पे भी चलूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जा रहा है इसके अंदर. ये रोड का एक वायरलेस लैब माइक है. आई हैव हैड अ बोया का लैब माइक जो बिल्कुल 1100 का है, जो इनफैक्ट मैं आपको सैम्पल दूंगा अभी इस वीडियो के बाद. बट बिफोर आई कम टू दैट, मैंने अभी तक क्यों नहीं ऐड किया इज बिकॉज जब आप ये वीडियो देख रहे हो माइक मेरे पास अभी नहीं है, मैंने किसी को दे रखा है. तो जैसे मेरे हाथ में आएगा अभी थोड़े कुछ सेकेंड में, तो मैं उसका एक सैम्पल डाल दूंगा. तो गाइस अभी जो आप माइक सुन रहे हो वो है एक बोया का माइक, लैब माइक, जो 1000 या 1100 रुपये का माइक है. एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, मेरे को इस ऐप में इसके लेवल्स कम करने का नहीं मिला, तो मैं थोड़ा कम वॉल्यूम पे बोल रहा हूँ. अगर मैं बहुत ज़ोर से बोलता हूँ तो थोड़ी सी ऑडियो फट जाती है, बट आई एम श्योर आप इसका कुछ जुगाड़ ढूंढ सकते हो. बट दिस इज़ अगेन अ ग्रेट ग्रेट माइक एंड वेरी चीप. इसके बाद हम जाएंगे मेरे आईफोन पे, क्योंकि मेरा फ्रेंड है इधर, ही सजेस्टेड कि आईफोन से भी फुटेज दिखाओ और मेरे दूसरे कैमरा से भी फुटेज दिखाऊं मैं आपको, टू शो कितना फ़र्क हो सकता है. तो गाइस वो था एक 10,000 का फ़ोन, ये है एक 1,00,000 का फ़ोन जब ये आया था. दिस इज़ द iPhone 10. अब iPhone 10 की फुटेज कुछ ऐसी लगती है, मुझे खुद इस पॉइंट पे नहीं पता कितना फ़र्क होगा, बट मैं ऐसे वॉल्यूम फिर भी मेंटेन कर रहा हूँ ताकि माइक का दिक्कत ना हो. आई फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस वेरी सून. बट अभी इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, लेट मी एक्चुअली यूज़ माई मेन कैमरा जो है एक सोनी का A7 III, जो इन दोनों की प्राइस मिला के भी उससे भी ज़्यादा है. फ्लेक्स नहीं मार रहा बट फैक्ट है, तो लेट्स हियर दैट. तो गाइस अभी मैंने नोटिस किया कि बोया का माइक की बैटरी डजंट वर्क राइट नाउ विद माय कैमरा, मर चुकी है. बट दिस इज स्टिल अ वीडियो सैंपल, ऑडियो सैंपल ज़्यादा मत देखना. ये एक वीडियो सैंपल है फ्रॉम द A7 III, एंड एज यू कैन सी इवन दो ऑल कैमराज आर एट वेरी डिफरेंट प्राइस रेंजेस, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं बुला सकते फॉर ऑनलाइन कॉन्टेंट. अब आप कोई भी माइक यूज़ करो जो एक्सटर्नल है, जस्ट मेक श्योर कि वो आपके मुंह के सबसे पास रह सके, क्योंकि यहीं से आप बोल रहे हो. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बाय रिमूविंग द माइक फ्रॉम माय फ़ोन राइट नाउ. तो अभी आप मुझे सुन सकते हो, मेरी आवाज़ कुछ ऐसी है. मैं यहाँ पे हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है. मैं यहाँ जाऊँ, मेरी आवाज़ ऐसी ही रहेगी. बट अभी मैं माइक हटा रहा हूँ. अगर मैं माइक हटा दूँ तो ऑडियो कुछ ऐसी आ रही है, आई डोंट थिंक ज़्यादा खास है. इनफैक्ट अगर मैं साइड में जाऊँ, दूर जाऊँ, पास जाऊँ, ऑडियो काफ़ी घटिया हो सकती है. सो यूज़ अ माइक, चाहे 1100 का हो चाहे जो भी हो, आई थिंक ऑडियो मैटर्स मोर देन द वीडियो. तो मुझे नहीं लगता वो घटिया ऑडियो से आपको ज़्यादा मज़ा आया होगा. तो गाइस चाहे आपका जो भी फ़ोन हो, अगर आप उसको रखो स्टेबल ऐसे एक ट्राईपॉड पे, अच्छी लाइटिंग हो, चाहे ऐसी लाइट हो चाहे नेचुरल सनलाइट हो, एंड आपकी ऑडियो ऑन पॉइंट हो और फ्रेमिंग आपने एकदम मस्त रखी हुई है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1,00,000 का कैमरा यूज़ करो, 4,00,000 का कैमरा यूज़ करो, 40,000 का करो, या फिर एक फ़ोन करो. अब हाँ, ये फ़ोन हर टाइप की वीडियोस नहीं बना सकता, स्पेशली जैसे मैं फिल्म्स बनाता हूँ प्रॉब्ली नहीं कर सकता. बट अभी आप लोगों से बात करने के लिए, अपनी YouTube पे मोस्टली लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, इसके लिए इट्स मोर देन इनफ. जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ दैट यू शुड चेक आउट फॉर मेकिंग सच वीडियोज़, मैं उनको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. चाहे फ़ोन का माउंट हो, चाहे ट्राईपॉड हो, चाहे माइक्स हो, सब डाल दूंगा. ऑल्सो ओपन कैमरा का भी लिंक है. एंड लास्टली अंगद का हाइसिंग वाले चैनल का भी लिंक है, जहाँ पर मैं बहुत ही जल्दी हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ रिंग लाइट्स की एक वीडियो डालूंगा, एंड वाई आई रियली लाइक रिंग लाइट्स, सिर्फ टिकटॉक के लिए नहीं है. अब ये थोड़ी एक सिंपल सी वीडियो थी, बट आई वॉन्टेड यू गाइज टू सी कि बहुत कुछ पॉसिबल है इवन विद अफोर्डेबल गियर. अगर आपको एक आइडिया दूँ, आपके पास फ़ोन शायद आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है नया, शायद आपका करंट फ़ोन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है. आईफोन है तो भाई आप ऑलरेडी बाकी लोगों से बेटर कर रहे हो. अगर एंड्रॉयड भी है तो 10,000-15,000 का फ़ोन आजकल अच्छा है. अगर आप इन्वेस्ट करो एक 3,000-4,000 की रिंग लाइट में, जो काफ़ी लोग कर चुके हैं, और थोड़ी सी ऑडियो में 1,000 रुपये की, तो आप 10,000 से कम में अपनी वीडियोस को पूरी तरह बदल सकते हो. आई वुड लाइक इट अगर आप, अगर यूट्यूब पे हो और चीज़ें हैं आपके पास, यू मेक अ वीडियो ट्राइंग दीज टिप्स एंड मे बी टैग मी इन इट एंड समहाउ सेंड इट टू मी, ताकि आई सी अगर आपकी कोई भी वीडियो बेटर हुई है.
बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट कि आप अपना बेस्ट कंटेंट बना पाओ कम से कम खर्चे में. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड. आई होप आपको हेल्प हुई एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव ऑन दिस चैनल. मैं वीडियोज लाता रहूंगा ऐसी एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऐश करो भाई और बटर चिकन खा लो. पता नहीं इस वीडियो में बटर चिकन बोलना जरूरी था वरना गालियां पड़ती. चलो बाय.